महात्म में लिखा है, तो बोले अगर आप में सामर्थ्य है तो बोले निर्जल एकादशी करो, जल बिना जल के एकादशी करो। और बोले महाराज निर्जल तो बड़ा कठिन पड़ जाएगा, इतने दिन तो हमारी हमारे प्राण ही सूख जाएंगे, कहो तो निकल ही जाए प्राण। तो बोले भैया प्राणों को मत निकलने दो और जल पी के रह लो, निर्जल ना रह जाए तो जल पी के रह लो। तो बोले महाराज इतने में भी नहीं होगा, तो वहां देख क्या कहा है कि दूध पी के रह लो। तो बोले दूध पी करके भी यदि नहा नहीं रहा जाए तो एक समय फलाहार कर लो, बस इतनी आज्ञा है, एक समय फलाहार कर लो। फलाहार का मतलब क्या? फलाहार का मतलब वो कूटू की आटे की पकौड़ी और सिंघाड़े का हलवा और सवा के चावल की खिचड़ी, साबूदाने की खिबो नहीं, फलाहार का माने एक कोई फल ले लो, खरबूजा ले लो, आम ले लो, केला ले लो, एक ले लो, दो ले लो, बस दूध पी लो, बस इतने से ज्यादा नहीं। अब चार चार पांच पांच बार महाराज फलाहार होता है, दो दिन पहले से एकादशी की तैयारी हो जाती है, तो भैया ये क्या है? और फिर महाराज इतना पा लेते हैं एकादशी के दिन भी कि फिर द्वादशी को भूख नहीं लगती उनको। अरे बोले भैया इतना खा लिया एकादशी के दिन ही, द्वादशी को उनका मन नहीं करता खाने का, अपच हो जाती है, क्योंकि ये सब रिफाइंड तेल और ये सब मिलावटी ये सब नुकसान करते, पचने में कठिन है। तो उस दिन खूब पकवान बनते हैं और खाते हैं, फिर वो पचते नहीं। तो व्रत का मतलब ये है कि उस दिन हम कुछ तप करें, इंद्रियों को सुखावें, और उस दिन त्याग पूर्वक तपस्या पूर्वक उपवास करें, खाली पेट रहें, हाँ इंद्रियों को थोड़ा तप करने का अवसर दें, और इंद्रियों को समझा बुझा करके धीरे धीरे इस प्रकार से तप में लगाना चाहिए। तप की बड़ी मारी महिमा है महाराज, रामचरित मानस जी में तप आधार सब सृष्टि भवानी, ये सब सृष्टि तप के आधार पर है। बोले तप से ही ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, तप से ही विष्णु भगवान पालन करते हैं, तप से ही शंकर जी इसका श्रृंगार करते हैं। ये ऋषि मुनि महात्मा इनमें जितना बल होता था महाराज, ऐसा महाराज ब्राह्मणों में शक्ति थी कि किसी को वरदान देना चाहे तो वरदान सत्य हो जाए, और किसी को साप देना चाहे तो साप सत्य हो जाए। आपने उनकी कथा सुनी है भागवत जी में, परीक्षित जी की कथा सुनी है, परीक्षित जी को श्राप दिया एक ब्राह्मण बालक ने, बताओ राजर्षि परीक्षित महान भागवत महान भक्त भगवान के, उनसे थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ी सी। देखो एक उदाहरण दे रहे हैं हम, अब लोग कहते महाराज अरे अब तो ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वो विधर्मी अधर्मी लोग हमारे धर्म का नाश कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। अरे भाई तुम्हारी तपस्या कहाँ गई, दे दो ना श्राप, श्राप दे दो, जो अधर्म करने वाले दुष्ट पापियों को श्राप दे दो, सब नष्ट हो जाएं। श्राप देने की तो महाराज शक्ति नहीं है, कहाँ गई शक्ति? बोले सब भोग विषय भोग सब शक्ति खा गए, ब्राह्मणों को ऋषि मुनि महात्माओं को महाराज विषय भोगों ने खोखला कर दिया, इतने भोग भोगने में लग गए हम लोग, कहाँ है कोई महाराज शक्ति नहीं रही। नहीं तो श्रृंगी ऋषि की क्या आयु थी, 10 साल के श्रृंगी ऋषि महाराज, और उन्होंने राजर्षि परीक्षित जी को साथ दे दिया कि जा तूने पिताजी का अपमान किया, क्या गलती थी उनकी, कोई ऐसी बड़ी भारी गलती नहीं थी। वो भूखे प्यासे आए जंगल में, और उन्होंने वहां मुनि श्री समीक जी महाराज वे वहां तप कर रहे थे, और राजा ने सोचा कि नाटक कर रहे हैं मुझे देख करके, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई बड़ा आदमी आवे ना तो हम जैसे लोग क्या करते हैं कि सब काम छोड़ करके माला जपने में लग जाते हैं। बड़ा आदमी आया है, अरे पंडित जी माला जप रहे हैं तो उसकी बड़ी श्रद्धा जगेगी। तो राजा आया है तो महात्मा ढोंग करने लग गए, नाटक करने लग गए, ऐसा परीक्षित को अपने मन में विचार आया कि मुझे देख करके इन्होंने समाधि का नाटक बनाया है, इनकी समाधि सच्ची है कि झूठी है, ऐसा उन्होंने देखने के लिए जांच करने के लिए एक मृत सर्प उठाया अपने तीर से बाण से, उनके गले में डाल दिया, और जब वो सांप का वो हार पहना दिया तो भी महाराज उनकी समाधि नहीं टूटी, को सच्ची समाधि थी, नाटक थोड़ी कर रहे थे, वो भजन में ही लगे रहे। और राजा को बड़ा महाराज वो हुआ, दुख हुआ,
उसको बड़ी अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, उसने वो सांप उनके गले में से निकाल लिया और जमीन पे पटक दिया, और वो महाराज वहां से चले आए। इतनी गलती करी थी, और इतनी गलती पर महाराज उनके पुत्र ने श्राप दे दिया राजा को, और राजा कोई सामान्य नहीं थे, परीक्षित जी महान भागवत, महान भगवान के भक्त। बचपन में गर्भ में ही अपनी मैया के पेट में उनको भगवान का दर्शन हो गया था। उन राजा को एक ब्राह्मण बालक ने, 10 साल के बालक ने श्राप दे दिया। कहाँ गई ब्राह्मणों की शक्ति? अब इतना इतना अत्याचार हो रहा है, कश्मीरी पंडितों को, ब्राह्मणों को उनकी बहन बेटी छीन ली गई मुसलमानों ने और मार करके भगा दिया। क्यों नहीं श्राप दिया? कहाँ गई तुम्हारी शक्ति? मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, विषय भोगों का अनियमित भोग कर रहे हैं, कहां से आएगी शक्ति? भैया शक्ति आती है तप से। वो महात्मा तपस्वी थे, इसलिए राजा को श्राप दे दिया महाराज। 7वें दिन राजा की मृत्यु हो गई। और बड़ी महाराज वो विचित्र घटना है, राजा की रक्षा करने के लिए बड़े उपाय किए गए जन्मे जी ने, बहुत वो चारों तरफ से, और कोई सांप ना आ जाए ऐसा महाराज उन्होंने वो कर दिया, कुछ ऐसा बनाया कि कोई सांप ना, तक्षक के डसने से मृत्यु होनी थी परीक्षित जी की, लेकिन फिर भी महाराज सांप आया एक व्यक्ति के, मनुष्य के भेष में, और उसने परीक्षित जी को डसा। ब्राह्मण की बात झूठी नहीं होगी, असत्य नहीं होगी, और श्री परीक्षित जी की 7वें दिन मृत्यु हुई सांप के डसने से। ये था महाराज ब्राह्मणों का बल, ब्राह्मणों की शक्ति। अब हमारे ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, लोग विधर्मी अधर्मी लोग हमारे धर्म का नाश कर रहे हैं, हमारी संस्कृति का नाश कर रहे हैं, ब्राह्मणों का तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, फिर भी हम लोगों के पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, क्योंकि शक्ति नहीं है। शक्ति कहाँ गई? विषय भोग सारी शक्ति खा गई। तपस्या से शक्ति आती, तप आधार सब सृष्टि भवानी। तब से ही शंकर जी संहार करते हैं, इसलिए महाराज तपस्या करना त्याग पूर्वक और बहुत इंद्रियों को बहुत संयमित नियमित रखते हुए, और भगवान के भजन साधन में, और कष्ट सहना अपने धर्म के पालन में कष्ट सहना, इसी को तपस्या कहते हैं। तो उसका आश्रय हम सबको लेना चाहिए, क्योंकि तप जो है इसी से हमारा मन और इंद्रियां संयमित होंगी, और जब तक मन और इंद्रियां संयमित नहीं होंगी तब तक आप पूजा पाठ जब तप अनुष्ठान करें कुछ भी आपके काम नहीं आने वाला, आपके कल्याण का हेतु नहीं बनेगा। संसार की चीज भले ही मिल जाए लेकिन वो आपके भले का, कल्याण का हेतु नहीं बनेगा। जब तक हमारी इंद्रियां विषयों की ओर भाग रही हैं, तो हमारा धर्म कर्म भी, ज्ञान वैराग्य भी पेट भरने का साधन बन करके रह जाएगा। आदमी बड़ी बड़ी बड़े बड़े धर्म कर्म करता है, दान करता है, पूजा पाठ करता है, उसके बदले भी क्या चाहता है? उसके बदले भी यही चाहता है कि बेटे की नौकरी लग जाए, बहू को बालक नहीं हो रहा उसको बालक हो जाए, मकान बनाने की सोच रहे हैं महाराज मकान बन जाए। बड़े बड़े अनुष्ठान करने के बाद भी तो संसार की चीजें ही मांगते हैं, फिर क्या लाभ हुआ? आपके कल्याण का हेतु नहीं बनेगा। इसलिए भैया अपने मन बुद्धि चित्त को, इंद्रियों को संयमित करना बहुत आवश्यक है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। एक श्लोक और कह दें, उसके बाद फिर आज पूर्ण करेंगे। प्रभु जी श्लोक नहीं, भजन कर दो भजन। अच्छा आज आपने हंसाया बहुत है, आज आज भजन कर दो, भजन कर दो, आज आज हंसाया बहुत है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की। तो ये जो वीडियो है थोड़ी बंद हो जाएगी, आप आवाज आवाज आपको सुनाई देगी है। श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय, राम जय जय राम, 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 श्री राम
राम जय राम जय जय राम श्री 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 सीता राम चंद्र भगवान की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय सुंदर भक्त वत्सल कहलाने वाले कृपा करो हे ए भक्त वत्सल कहलाने तुम ही हो धनु सर चलाने वाले तुम ही हो धनु सर चढ़ाने वाले तुम ही हो मुरली बजाने वाले तुम ही हो मुरली बजाने वाले कृपा करो हम पे श्याम सुंदर कृपा करो हम पे श्याम सुंदर हे भक्त वत्सल कहलाने वाले हे भक्त वत्सल कहलाने वाले। देखो भगवान के जो स्वरूप हैं उनमें कोई भेद नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण है बोले जो धनुष बाण चलाने वाले हैं ना वही मुरली बजाने वाले हैं, वही श्री कृष्ण है। जो श्री राम जी है वही श्री कृष्ण है, और श्री राम कृष्ण ही नहीं और जो भगवान के दूसरे अवतार हैं। तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने, 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 बचाया प्रहलाद को तुम्हीने, बचाया प्रहलाद को तुम्हीने, तुम्ही हो खंभे में आने वाले तुम्ही हो खंभे में आने वाले तुम्ही हो साड़ी बढ़ाने वाले तुम्ही हो साड़ी बढ़ाने वाले कृपा करो हम पे श्याम सुंदर कृपा करो हम पे श्याम सुंदर हे भक्त वत्सल कहलाने वाले हे भक्त वत्सल कहलाने वाले तुम्ही हो धनु सर चलाने वाले तुम्ही हो धनु सर चढ़ाने वाले तुम्ही हो मुरली बजाने 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 वाले और तुमीने ब्रज से प्रलय हटाया तुमीने ब्रज से प्रलय हटाया समुद्र में से तू भी बना। जब महाराज इंद्र ब्रजवासियों के ऊपर नाराज हो गया इंद्र ने कोप किया तो बड़ी जोर की बरसात ब्रज में भई, ऐसी जोर की बरसा भई कि महाराज बड़ी मोटी मोटी धार जैसी हाथी की सूंड होती है ना ऐसी मोटी मोटी धार से जो प्रलय कालीन सांवर्तक मेघ होते हैं उन्होंने जल बरसाया। पूरा ब्रज महाराज पानी पानी हो गया, सब डूबने लग गया। तब ठाकुर जी ने गिरिराज जी को अपने नख पे उठाया, हमारे कन्हैया ने गोवर्धन में तरहटी में श्री गिरिराज जी को
अपने बाएं कर कमल के ये जो कनिष्ठिका उंगली होती है, छोटी वाली उंगली, कनिष्ठिका उंगली पर ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। तुम्ही ने ब्रज से प्रलय हटाया, समुद्र में से तू भी बनाया, समुद्र में से तू भी बनाया, ए जल पे पत्थर तैराने वाले, ए नख पे गिरिवर उठाने वाले, ए जल पे पत्थर तैराने वाले, ए नख पे गिरिवर उठाने वाले, तुम ही हो धनुसर चलाने वाले, तुम ही हो मुरली बजाने वाले, तुम ही हो धनुसर चलाने वाले, तुम ही हो मुरली बजाने वाले, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, ए भक्त वत्सल कहलाने वाले, ए भक्त वत्सल कहलाने वाले, इधर सुदामा गरीब ब्राह्मण, इधर सुदामा गरीब ब्राह्मण, उधर दुखी दीन था विभीषण, उधर दुखी दीन था विभीषण, विभीषण ने लात मार करके लंका से निकाल दिया। विभीषण जी ने क्या अपराध किया था, उसके हित की ही उसको बात बता रहे थे, कल्याण की बात बता रहे थे, लेकिन महाराज रावण ने आदर नहीं किया विभीषण जी का। और इधर गरीब सुदामा भी बड़ी दरिद्रता से दुखी था, इधर सुदामा गरीब ब्राह्मण, उधर दुखी दीन था विभीषण, उसे भी लंका दिलाने वाले, उसे भी लंका दिलाने वाले, इसे त्रिलोकी लुटाने वाले, इसे त्रिलोकी लुटाने वाले, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहलाने वाले, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहलाने वाले, कौशला सुत यशोदा नंदन, हे कौशला सुत यशोदा नंदन, अधीन दुख बिंदु के निकंदन, अधीन दुख बिंदु के निकंदन, छुड़ा दो मेरे भी जग के बंधन, छुड़ा दो मेरे भी जग के बंधन, ए गज के फंदे छुड़ाने वाले, ए गज के फंदे छुड़ाने वाले, गज गज कहते हैं हाथी को, हाथी को बड़ा महाराज कष्ट था, ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया सरोवर में, और डूबने ही वाला था, मरने ही वाला था, ठाकुर जी ने आकर के उसके फंदे को छुड़ाया, छुड़ा दो मेरे भी जग के बंधन, छुड़ा दो मेरे भी जग के बंधन, ए गज के फंदे छुड़ाने वाले, ए गज के फंदे छुड़ाने वाले, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, ए भक्त वत्सल कहलाने वाले, तुम ही हो धनुसर चलाने वाले, तुम ही हो मुरली बजाने वाले, तुम ही हो मुरली बजाने वाले, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
वृंदावन राम चंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।